संकष्टी चतुर्थी 2019 कब है? संकष्टी चतुर्थी, जानिए पूजन विधि और महत्व। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में वैसे तो कई सारे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, मगर संकष्टी चतुर्थी का अपना एक विशेष महत्व होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले श्री गणेश की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूरे विधि विधान के साथ पूजन ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वही संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। वही पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। वही संकष्टी चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की आराधना करके विशेष वरदान मनुष्य प्राप्त कर सकता है और सेहत की समस्या को भी हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। इस बार संकष्टी चतुर्थी 15 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। वही भगवान श्री गणेश में आस्था रखने वाले लोग संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न करके मनचाहे फल की कामना करते हैं। वही संकष्टी चतुर्थी पर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करके साफ हल्के लाल या पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। भगवान श्री गणेश के चित्र को लाल रंग का कपड़ा बिछा कर रखें। भगवान गणेश की पूजा करते वक्त पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। श्री गणेश के सामने दीपक जलाएं और लाल गुलाब के पुष्प से भगवान को सजाएं। वही पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, रोली, मोली, चावल, पुष्प, तांबे के लोटे में जल, धूप, प्रसाद के तौर पर केला और मोदक रखें।